गुड मॉर्निंग बच्चों, बीएमसी की ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के 12वें चैप्टर ध्वनि का अध्ययन, इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। यह टॉपिक हमने पहले ही लिया है, अब सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं तो सारे टॉपिक्स का अब रिवीजन शुरू होगा। तो इस रिवीजन का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ध्वनि का अध्ययन। इस विषय में हमने पहले ही चर्चा की है, इस पर हम थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ डाउट्स वगैरह ये सब क्लियरिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ध्वनि का अध्ययन। तो आज हमारे चर्चा का विषय होगा ध्वनि की परिभाषा, संपीड़न और विरलन, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, श्राव्य अवश्राव्य तथा श्राव्यतीत ध्वनि। अब ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के बारे में हमने पहले ही जाना है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। इसका एलोबरेटरी एग्जाम्पल्स और उदाहरण मैंने पहले वाले लेसन में दिया था। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमारे कानों में सुनने का स्पंदन होता है। स्पंदन मतलब आभास होता है। तो ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार है जिसके कारण हमारे कानों में सुनाई देने की संवेदना का निर्माण होता है। अगर हमें पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि की परिभाषा लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमारे कानों में सुनने का स्पंदन होता है या फिर आभास होता है। ध्वनि पैदा कब होती है? ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु में कंपन होती है या कंपमान वस्तु से ध्वनि पैदा होती है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी वस्तु को खुरचते हैं या रगड़ते हैं, या फिर एग्जाम्पल्स में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पर भी, फॉर एग्जाम्पल बांसुरी हुआ, तो बांसुरी में हवा का कंपन होता है जिसके द्वारा हमें आवाज सुनाई देती है। तबला हो गया, तबला या झोलक बजाने पर झिल्ली में कंपन होता है जिसके द्वारा क्या होती है, ध्वनि का उत्पादन होता है। इसके लिए हम लोग ने स्पीकर का भी उदाहरण लिया था। स्पीकर के सामने बोलने पर जैसे जैसे हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे फोन वाइब्रेट होता है जिसके कारण हमें ध्वनि क्या होती है, तेज या कम सुनाई देती है, जैसे हम कम करें या ज्यादा करें उस हिसाब से। तो क्या होता है, ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है या कंपमान वस्तु से ध्वनि पैदा होती है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वह बाहरी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ध्वनि तरंग के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित हो। संचरित हो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो। तो ध्वनि का संचरण क्या है, वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है वह माध्यम कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ध्वनि का संचरण करने के लिए क्या होता है, हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण कभी भी निर्वात में नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे निर्वात क्या होता है, निर्वात का क्या अर्थ होता है, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता, कोई भी माध्यम नहीं होता है, मतलब ना उसमें ठोस होगा, ना द्रव होगा, ना गैस होगा। तो जब ठोस द्रव या गैस नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित नहीं हो पाएगी। तो हमें एक जगह से अगर कोई व्यक्ति बुला भी रहा है और उसमें ऐसा कांच लगाया गया है, आजकल ऐसे ऐसे तरह के कांच भी हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होता है, ध्वनि नहीं जा पाती है। दैट मीन्स वहां से ना हवा ट्रांसफर होगी, ठोस और द्रव तो बहुत दूर की बात है, जब हवा ही नहीं ट्रांसफर होती तो ठोस द्रव कहाँ से ट्रांसफर होगा। तो उस रूम में स्थित व्यक्ति क्या होगा, उसकी आवाज दूसरे रूम तक नहीं जाएगी।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती है, तो इसलिए ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव या गैसीय हो सकता है। जब किसी वस्तु से ध्वनि निकलती है तो उस वस्तु के आसपास के कणों में कंपन होता है, उसके बाद आगे के कणों पर बल लगने से उनमें कंपन शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक कण से दूसरे कण से होते हुए ध्वनि आगे बढ़ जाती है। इसमें क्या बताया गया है कि ध्वनि कैसे संचरित होती, कैसे जाती है? तो इसमें कैसे जाती है, जब किसी वस्तु से ध्वनि निकलती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हैमर लिया गया है, हैमर को एक वस्तु पर, कांच के रबर पे एक बार पीटा गया है, उसके बाद में उसको रखा गया है तो हवा में, तो वह कैसे संचरित हो रही है? नीचे के इमेज में देखिए, वह क्या कर रही है, आसपास के कणों में उसके द्वारा क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। कंपन हो रहा है मतलब हिल डुल रहा है। उसके बाद आगे के कणों पर बल लगने से उनमें कंपन शुरू हो जाता है। जब कंपन शुरू होता है तो एक जगह के जो कण होते हैं आपस में चिपक चिपक के रहते हैं, और आगे के कण देखो दूर दूर हैं, तो जो चिपक चिपक के स्थित कण है उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं, और जो दूर दूर हवा के कण है उसे क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। तो संपीड़न और विरलन, संपीड़न विरलन करते हुए क्या होता है, ध्वनि आगे की ओर संचरित होती है। इतना याद रखना, कभी भी ध्वनि के संचरण में कण आगे पीछे नहीं होता है, बल्कि उनके द्वारा लगाई गई ऊर्जा, उन पर प्रयुक्त ऊर्जा जो होती है वह आगे पीछे होती है। तो ऊर्जा के कंपन में क्या होता है, माध्यम के कण ट्रांसफर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ऊर्जा जो होती है वह एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ध्वनि किसे कहते हैं, दूसरा टॉपिक क्या किया, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो ध्वनि की परिभाषा पढ़ी है, और दूसरा पढ़ा है ध्वनि का संचरण। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संपीड़न और विरलन की परिभाषा, जो संपीड़न और विरलन मैंने अभी वर्ड यूज किए थे उसकी क्या परिभाषा है। संपीड़न क्या होता है, जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपन से लगे बल के कारण उसके निकट की वायु के कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और कणों की ऐसी स्थिति को संपीड़न कहते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर कण एकदम नजदीक नजदीक हैं, तो एकदम नजदीक नजदीक हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है, कंपन से लगे बल के कारण निकट की वायु के कण क्या हो गए हैं, एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, और कणों की ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। तो यहां पर जो कण है वो एक दूसरे के एकदम निकट आ गए हैं। निकट कैसे आए हैं, कंपन में जो बल उत्पन्न हुआ उस बल के कारण ये जो कण है एकदम नजदीक नजदीक आ गए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संपीड़न कहा जाता है। इसके बाद की परिभाषा क्या है, विरलन। विरलन क्या होता है, उसके बाद का क्षेत्र देखो, वहां पर हवा के कण जो है एकदम दूर दूर है, तो इस दूर दूर होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, विरलन कहा जाता है। तो फिर से बोल रही हूँ, संपीड़न का क्या अर्थ है, संपीड़न का अर्थ है जब कण एकदम नजदीक नजदीक होते हैं उसे हम कहेंगे संपीड़न, और जब वायु के कण दूर दूर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे। इसकी परिभाषा में पिछली बार किसी किसी को डाउट था तो ये परिभाषा एक बार आप लोग देख लीजिए। जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो कंपन से लगे बल के कारण उसके निकट की वायु के कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और कणों की ऐसी स्थिति को संपीड़न कहते हैं। उसके बाद
आगे के कणों का संपीड़न होता है और पहले वाले कण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इस तरह से पहले वाले कणों का विरलन होता है। तो इधर देखो, ये हो गया हम लोगों का संपीड़न, ये हो गया संपीड़न। तो ये संपीड़न करते हुए जब आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो क्षेत्र निर्माण हुआ है वह किसका क्षेत्र है, विरलन का क्षेत्र है। तो इसे क्या कहते हैं हम, संपीड़न और विरलन। फिर आगे दिया गया है ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि के तरंग के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्वनि तरंगों के दो प्रकार का अध्ययन हम करने वाले हैं। एक है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तरंग के संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है, तो तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब पानी की सतह पर एक पत्थर फेंका जाए तो उसमें ऐसे ऐसे करके एक वेव जैसा तैयार होता है, एक तरंग की तरह तैयार होता है, तो वह कौन सी तरंग होती है और कुछ नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग होती है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक डोरी लीजिए और उस डोरी को दीवार के एक सतह पर क्या कीजिए, बांध दीजिए एकदम टाइटली, और उसका जो दूसरा पार्ट होगा उसको क्या कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर नीचे करके अगर झटका दिया जाए तो इसमें भी एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होगा, और वह कंपन कैसा दिखेगा हम लोगों को, ऐसा वेव के रूप में दिखेगा, तरंगों के रूप में दिखेगा। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और इसमें क्या होगा, कण की दिशा सदैव ऊपर नीचे होती रहती है। तो हो ये हो गया हमारा अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगा, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करते हैं, वह अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो तरंगे होंगी वह सदैव क्या करेंगी, आगे पीछे होती रहेंगी। तो ऐसे तरंगों को क्या कहेंगे हम, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, उसे हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। जैसे कि जब किसी स्लिंकी को धक्का देंगे और खींचेंगे तो संपीड़न और विरलन कहेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास स्प्रिंग होगी, जो किसी किसी पेन में स्प्रिंग लगती है देखो, तो उसको हम अगर आगे पीछे करेंगे, टाइटली खींचेंगे और फिर ये करेंगे, खींचेंगे और छोड़ देंगे, तो वह कैसा निर्माण करेगी, अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण करेगी। तो इसमें क्या होगा, कण की दिशा सदैव आगे पीछे होती रहती है। तो इसका उदाहरण क्या होगा अनुदैर्ध्य तरंग का, भूकंप की तरंग और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। इसके बाद का टॉपिक है ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ध्वनि तरंगों के क्या अभिलक्षण हैं? तो इसमें हमने 5 अभिलक्षण पढ़े थे, उसका वापस से रिवीजन करते हैं। इसके 5 अभिलक्षण क्या है, पहला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम वेवलेंथ लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं, लैम्डा एक ग्रीक अक्षर है। दूसरा है आवृत्ति, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी न्यू द्वारा दर्शाते हैं। फिर है तीसरा आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, जिसको ए द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद है दोलन काल,
जिसको पीरियड टी द्वारा दर्शाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है तरंग वेग, जिसको हम वेलोसिटी और वी द्वारा दर्शाते हैं। फिर से एक बार नोटेशंस याद कर लीजिए, सबके शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लीजिए। कभी कभी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा और सवाल हल करने के लिए कहा जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं, जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहा जाता है। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसे न्यू द्वारा दर्शाते हैं। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, जिसे ए द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद है दोलन काल, जिसे पीरियड टी द्वारा दर्शाया जाता है। और लास्ट अभिलक्षण है तरंग वेग। तरंग वेग के ऊपर आधारित हमें इस सारे के ऊपर हमें आधारित क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जा सकते हैं, सवाल हल करने के लिए दिए जा सकते हैं। तरंग वेग वेलोसिटी वी के द्वारा दर्शाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला अभिलक्षण, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य होता क्या है, उसके लिए पहले हम जो दिया गया है तरंग उसका अध्ययन करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ये एक वेव दिया गया है हम लोगों को, एक तरंग दी गई है। इसमें ये देखो और ये देखो, एक सबसे ऊपर गया है और एक सबसे नीचे गया है। तो जो सबसे ऊपर विस्थापन हुआ है इस तरंग का, उसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष। और जो सबसे नीचे विस्थापन हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, गर्त। तो सबसे ऊपर हुए विस्थापन को शीर्ष, उससे नीचे हुए विस्थापन को, सबसे नीचे जो विस्थापन हुआ नीचे की तरफ, उसे गर्त कहेंगे। ठीक है, इसे यह ध्वनि की तरंग है हमारी। तो एक हो गया शीर्ष और दूसरा हो गया गर्त। अब इसमें तरंग दैर्ध्य होता क्या है, दो क्रमागत संपीड़न और क्रमागत विरलन, दो क्रमागत संपीड़न या क्रमागत विरलन के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो क्या हो गया, ये जो है और ये दोनों सबसे ऊपर शीर्ष पर गए हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अब तरंग दैर्घ्य क्या कर रहा है, दूरी को मापने का काम कर रहा है। दूरी को मापने की जो इकाई होती है सदैव क्या होती है, मीटर होती है। तो क्या है तरंग दैर्घ्य, क्या होगा तरंग दैर्घ्य, होगा दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और एसआई प्रणाली में इसकी इकाई क्या होगी, एसआई प्रणाली में इसकी इकाई मीटर होगी। यहां पर हमने देखा था संपीड़न और विरलन। तो इसमें अगर मुझे जानना होगा कि मेरा लैम्डा क्या है, तो क्रम संपीड़न इधर है और दूसरा संपीड़न इधर है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लैम्डा कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। या फिर नीचे की साइड देखा जाए तो दो विरलन है, तो इस दूरी को भी हम क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी तरंग दैर्घ्य की लंबाई हो गई। तो लंबाई माप रहे हैं, तो लंबाई को मापने के लिए हम किस इकाई का यूज करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, इस इकाई का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा तरंग दैर्घ्य हो गया। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तरंग दैर्घ्य के बाद है आवृत्ति।
आवृत्ति क्या है? एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में उसने कितने तरंग का निर्माण किया है, उसे हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। यहां पे समझो, एक सेकंड में उसने एक और दो, तो इसमें इसने कितने तरंग को पूर्ण किया है? दो तरंग को पूर्ण किया है, तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? दो। अगर सिर्फ आकृति देखेंगे हम लोग, तो यहां से लेकर यहां तक एक ही तरंग पूर्ण हुआ है, तो यहाँ पे इसकी आवृत्ति कितनी होगी? इसकी आवृत्ति कितनी होगी? एक। तो इसकी SI प्रणाली में इकाई कितनी हो गई? हर्ट्स। हर्ट्स नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हर्ट्स एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ही इसकी आवृत्ति की खोज की थी, तो उनको सम्मान देने के लिए इसकी इकाई का नाम क्या दे दिया गया? हर्ट्स दे दिया गया है। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया और उसमें एक दो, तो ऐसे दो पूर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे आवृत्ति कितनी हो जाएगी? दो। समझ में आया? अगर ऐसे तीन दोलन पूर्ण किए हैं तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? तीन हर्ट्स। तो हर्ट्स मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक है दोलन काल। दोलन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दोलन मतलब क्या होता है? एक पूरा जो वेव होता है, एक तरंग को पूरा करने के लिए कितना समय लगता है, या फिर एक दोलन को पूरा करने के लिए कितना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दोलन काल कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसमें उसने सिर्फ कितना दोलन पूरा किया? एक दोलन पूरा किया है। इस एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दोलन काल कहेंगे। अब जो चूंकि यह समय का मेजरमेंट कर रहा है, समय का मेजरमेंट करने की इकाई क्या होगी? सेकेंड होगी, तो उसकी SI प्रणाली में इकाई कितनी हो जाएगी? सेकेंड हो जाएगी। तो इसलिए दोलन काल टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/ν। और न्यू को क्या किया है मैंने? इस साइड शिफ्ट कर दिया है और टी को ये साइड शिफ्ट कर दिया है, तो इसलिए न्यू बराबर क्या हो गया? 1/T। तो दोलन काल क्या होता है? एक कंपन को पूरा करने में लगने वाले समय को दोलन काल कहते हैं। और दोलन काल की SI प्रणाली में इकाई कितनी है? सेकेंड है, इसलिए न्यू बराबर 1/T। 1/T क्यों लिखा है? दोलन काल को टी से दर्शाया है, और न्यू क्या था? न्यू हमारा था, इसके पहले वाला स्लाइड देखे थे आप लोग, न्यू है अपना एक सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में कितनी तरंग उत्पन्न हुई, उसे क्या कहा था? आवृत्ति कहा। और दोलन काल किसे कहा? एक सेकेंड को, एक सेकेंड मतलब एक कंपन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा? दोलन काल कहा। तो दोनों में कैसा रिश्ता हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो ये दोनों में संबंध क्या है? एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के दोलन काल और आवृत्ति क्या है? एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। ध्यान रखना, ये सूत्र आगे हमें यूज करना है। आवृत्ति और दोलन काल एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम क्या है? किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन की तरंग को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मतलब जैसे हम
जैसे हमारा वेव ऐसा है, स्टार्ट किया हमने ऐसे, तो ये सबसे ऊपर का हमने क्या कहा था शीर्ष, इसके नीचे को क्या कहा था गर्त। अब इसकी इधर से लेकर इधर तक की लंबाई मापेंगे, वह और कुछ नहीं बल्कि आयाम होगा। तो इसका अर्थ क्या है, किसी माध्यम के कणों की उनकी मूल स्थिति से, तो उसकी मूल स्थिति ये थी, उसकी मूल स्थिति से मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया, तो मैक्सिमम ऊंचाई कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो इसको हम और कुछ नहीं बल्कि आयाम कहेंगे। तो आयाम क्या होगा, आयाम मतलब किसी माध्यम के कणों की उनकी मूल स्थिति के अधिकतम विस्थापन को क्या कहेंगे हम लोग, आयाम कहेंगे। आयाम मतलब ए द्वारा दर्शाएंगे, यहां पर देखो दिया गया है एम्पलीट्यूड, और इसकी भी एसआई प्रणाली में इकाई क्या होगी, इकाई मीटर होगी। इसकी इकाई क्या होगी, मीटर, क्योंकि वापस से यह क्या माप रहा है, दूरी माप रहा है, इसलिए इसकी इकाई भी मीटर होगी। तो वापस से एक बार देख लेते हैं ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। तरंग दैर्घ्य क्या होगा, दो क्रमागत संपीड़न तथा विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा था, संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को क्या कहा गया था, मतलब ये दूरी को लैम्डा। उसके बाद क्या कहा गया था, आवृत्ति किसे कहा गया था, एक सेकेंड में कितना दोलन पूर्ण करता है, उसे क्या कहा गया था, आवृत्ति। आयाम किसे कहा गया था, दोलन काल था, उसके बाद एक कंपन को पूरा करने के लगे समय को क्या कहा गया था, दोलन काल। और उसके बाद आयाम, किसी माध्यम के कणों की उनकी मूल स्थिति से दूरी को क्या कहा गया था, आयाम। अब नेक्स्ट है तरंग वेग, तरंग वेग क्या होता है, तरंग के किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एकदम अच्छे से डेफिनेशन याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तरंग वेग क्या होता है, तरंग के किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग की एसआई प्रणाली में इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। वेग क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लगा हुआ समय। तय की गई दूरी यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा, और लगा हुआ समय क्या होगा, टी। तो लैम्डा बटे टी बराबर हमारा क्या होगा, वेग होगा। अब हमें पता है, ज्ञात है कि 1/T क्या होता है, म्यू होता है, इसके पहले ही देखा था हमने, वी बराबर 1/T, बताया था मैंने, म्यू और टी जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोमानुपाती होते हैं, दोलन काल और समय। दोलन काल और क्या होता है, समय जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, प्रतिलोमानुपाती होते हैं, म्यू और 1/T, आवृत्ति और दोलन काल, ये क्या होंगे, आपस में प्रतिलोमानुपाती होंगे। तो मैंने क्या किया, दोलन काल की जगह पर आवृत्ति रख दिया, तो लैम्डा इंटू न्यू लिख दिया 1/T की जगह पे, क्योंकि 1/T क्या होता है, न्यू होता है, तो इसलिए इसकी जगह पर क्या लिख दिया, न्यू लिख दिया, कहां से, ये वाला यूज करके। तो वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति हो गया, समझ में आया। फिर से शुरू बोलती हूँ, तरंग के किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग वेग कहते हैं। वेग क्या होता है, हमेशा दूरी बटे समय, ये हमने पहले ही पार्ट में पढ़ा है। यहाँ पे दूरी क्या होगा, लैम्डा, और समय क्या होगा, टी। तो लैम्डा बटे टी
वन बाय टी को लेकिन हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं, क्योंकि आवृत्ति और दोलन काल आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। इसलिए क्या किया, वन बाय टी की जगह पर म्यू रख दिया, तो वी बराबर लैम्डा इंटू म्यू, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। तो इस तरीके से हमने पांचों अभिलक्षण पढ़ लिए हैं, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, दोलन काल और क्या, तरंग वेग। तरंग दैर्ध्य क्या था, दो क्रमागत संपीडन तथा विलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऐसा ही प्रणाली में इसकी इकाई मीटर है। उसके बाद हमने पढ़ा आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में उत्पन्न पूर्ण तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऐसा ही प्रणाली में इसकी इकाई हर्ट्ज है। उसके बाद दोलन काल, एक कंपन को पूरा करने के लिए लगे गए समय को क्या कहते हैं, दोलन काल कहते हैं। v न्यू बराबर 1 बाय टी। इसके बाद आयाम, किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग की आयाम कहते हैं और इसकी इकाई क्या है, मीटर। इसके बाद का टॉपिक था तरंग वेग। तरंग वेग क्या होता है, तरंग के किसी बिंदु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ऐसा ही प्रणाली में इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड। वेग बराबर दूरी बटे समय, दूरी को लैम्डा, समय को टी, इसलिए लैम्डा इंटू वन बाय टी। वन बाय टी को हमने न्यू के द्वारा दर्शाया और उसकी जगह पर क्या रख दिया, वन बाय टी की जगह पे न्यू रख दिया, इसलिए क्या हो गया, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है श्राव्य अवश्राव्य तथा श्राव्यतीत ध्वनि। श्राव्य ध्वनि क्या होता है, जो हमें सुनाई देती है। श्राव्य ध्वनि कहाँ से कहाँ तक का रेंज होता है उसका, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अवश्राव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम। श्राव्यतीत ध्वनि मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगा वहां पर। बीस हजार हर्ट्ज आएगा यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर श्राव्य ध्वनि का रेंज क्या है, श्राव्य ध्वनि हमें, श्राव्य ध्वनि मतलब जो ऑडिबल रेंज रहता है, जो हमें सुनाई देता है। तो हमें कहाँ से कहाँ तक का ध्वनि सुनाई देती है, कहाँ से कहाँ तक की हर्ट्ज की, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। और ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। श्राव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अवश्राव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम। श्राव्यतीत ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है वह होती है श्राव्यतीत ध्वनि, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, मानवी कान की ध्वनि सुनने की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अर्थात मानवी कान इस आवृत्ति के बीच की ध्वनि सुन सकते हैं, इसलिए इस ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। मानवी कान 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्राव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, अवश्राव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को श्राव्यतीत ध्वनि कहते हैं। लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि,
भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी के पृष्ठ भाग के कंपन से निर्मित ध्वनि जो होती है वह 20 हर्ट्ज से कम की होती है। जब भूकंप आने से पहले तरंगे निर्मित होती है और कुछ कुछ पक्षी बेचैन हो जाते हैं तो उनको पता चल जाता है पहले ही भूकंप आने के पहले ही, क्योंकि वो उस ध्वनि को सुन पाते हैं, उन ध्वनि तरंगों को सुन पाते हैं, और वो उसका रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। वह और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि कौन कौन सुन पाते हैं, कुत्ते, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन, ये जो प्राणी होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुनते हैं। और इन्हें कौन सी ध्वनि कहा जाता है, पराश्रव्य ध्वनि सुन पाते हैं। तो कुत्ते, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन, ये जो प्राणी होते हैं वह पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। इस क्षमता के कारण उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती है जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कुछ प्राणी और कीटक भी जो है वह 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। एग्जाम्पल डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे इत्यादि जो है वह पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। जो इसके पहले भी मैंने बताया था, इटालियन जो वैज्ञानिक थे स्पलांजनी, उन्होंने क्या किया था, चमगादड़ जो है वह श्रावती ध्वनि सुन पाते हैं, इसका इन्वेंशन किया था सबसे पहले। उन्होंने क्या किया था, एक समय में चमगादड़ का एक एक अंग ढककर देखा था, तो उन्होंने क्या किया था, कभी कान ढका, कभी नाक ढका, कभी आंखें ढकी, लेकिन इसके बाद उन्हें क्या पता चला कि आंखें बंद होने के बावजूद भी चमगादड़ जो थे वह बेधड़क अंधेरे में उड़ रहे थे। तो इसका रहस्य क्या था, कान बंद किए जाने के बावजूद, कान और क्या होता है, कान बंद किए गए चमगादड़ इधर उधर टकराने लगे, आंख बंद किया तो भी वो एकदम अच्छे से बेधड़क उड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों को बंद किया तो वो क्या हो गया, इधर उधर टकरा रहे थे, भले ही उनकी आंखें क्या थी, खुली हुई थी। एक बार उन्होंने क्या किया, आंखों को बंद किया, आंख बंद करने के बावजूद जो थे चमगादड़ एकदम अच्छे से उड़ रहे थे बिना कुछ टकराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका कान बंद किया तो वो चमगादड़ क्या हो रहे थे, एक दूसरी जगह पर जाकर टकरा रहे थे। तो उससे उन्हें क्या पता चला कि चमगादड़ की उड़ने की शक्ति जो होती है वह अंधेरे में उनके कानों पर निर्भर करती है। तो वो कैसे हुआ था, चमगादड़ क्या करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि मुंह से निकालते हैं, वह सामने के पदार्थ पर टकराकर परावर्तित होती है, यह परावर्तित ध्वनि जो होती है उनके कानों में सुनाई दे रही थी, और जब उनको पता चल रहा था सामने कुछ अवरोधक है तो वो वहां से क्या हो जा रहे थे, हट जा रहे थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनको कान की सहायता से पराश्रव्य ध्वनि निकाल के वो अंधेरे में भी उड़ रहे थे आसानी से। अब श्रावतीत ध्वनि मतलब पराश्रव्य ध्वनि का तो बहुत जगहों पर होता है, जैसे कि एक जहाज से दूसरे जहाज तक संपर्क स्थापित करने में, प्लास्टिक के पृष्ठ भाग को जोड़ने में, दूध जैसे द्रवों को अधिक समय तक टिका कर रखने के लिए, मतलब उसमें जो जीवाणु रहते हैं उसको मारने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। सोनोग्राफी की तकनीक में, इकोकार्डियोग्राफी की तकनीक में, मानवीय शरीर के आंतरिक अवयवों का प्रतिबिंब बनाने के लिए, जैसे बोले जाते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जा रहे हैं, मतलब उसमें किसका उपयोग होता है, पराश्रव्य ध्वनि का ही उपयोग होता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग छिद्र ढूंढने के लिए भी किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कारखानों में होता है जिस जगह पर हाथ पहुंचना संभव नहीं है, ऐसे यंत्रों की स्वच्छता करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक टॉपिक हमारा रह गया थोड़ा सा कि विविध माध्यमों में
ध्वनि का वेग कैसे होता है? ध्वनि का वेग जो होता है वह ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैसीय में सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग क्या होता है? ठोस पदार्थों में सबसे अधिक, द्रव पदार्थों में उससे कम और गैसीय पदार्थों में सबसे कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम में उसका वेग होता है 6420। ये टेक्स्ट बुक में मैंने करेक्शन करने के लिए से पहले भी कहा था, 5420 की जगह क्या लिखेंगे, 6420। निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960, इसी तरीके से समुद्र के पानी में 1531, शुद्ध पानी में 1498, गैस में और कम होता चला जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड में उसका वेग सबसे कम 213 ही होता है। ध्वनि का जो वेग था वह किसने निकाला है? इटालियन भौतिक वैज्ञानिक का नाम था बोरेली और विवियानी ने 1660 के शतक में ध्वनि का वेग ज्ञात किया था। ध्वनि का वेग कितना होता है? 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर हमें पूछा जाएगा प्रकाश का वेग कितना होता है हवा में, तो प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है हवा में? प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों याद रखो, हवा में ध्वनि का वेग होता है 346 मीटर प्रति सेकंड। ये हमें सवाल न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हवा में कितना होता है? 346 मीटर प्रति सेकंड। और हवा में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण कानों में सुनने का स्पंदन होता है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय हो सकते हैं। ठोस में सबसे अधिक वेग होता है ध्वनि का, उसके बाद कम कम होते जाता है, द्रव्य अवस्था में उससे कम, गैसीय अवस्था में उससे कम ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है और गैस में सबसे कम होता है। संपीड़न और विलयन, संपीड़न मतलब कंप्रेशन, विलयन मतलब रेयरफैक्शन। जब कण निकट हो तो संपीड़न, जब कण दूर दूर हो तो विलयन। ध्वनि तरंगों के प्रकार पड़े थे, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंग। उसके बाद ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, दोलन काल, आयाम, तरंग वेग। फिर उसके बाद श्राव्य, अवश्राव्य और श्राव्यती ध्वनि। आज का गृहकार आपके लिए जो मैंने पहले ही दिया था, ध्वनि की क्या परिभाषा है, ध्वनि के वेग की इकाई, ध्वनि तरंगों के प्रकार, संपीड़न और विलयन, दोलन काल की परिभाषा और सूत्र। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए। किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो पूछिए। ध्वनि वेग की इकाई क्या है? ध्वनि के वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड है। कैसे है? वेग होता है तरंग दैर्घ्य बटे दोलन काल होता है। तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य की इकाई कितनी थी? मीटर। और दोलन काल की इकाई क्या थी? सेकंड। तो इसलिए क्या होगा, तरंग वेग की इकाई क्या होगी? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय इसका सूत्र हो गया और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड।
ध्वनि वेग की कितने प्रकार है? ध्वनि वेग नहीं है वहां पे, ध्वनि वेग, ध्वनि तरंगे हैं, वो मिस्टेक हुआ है बेटा, उसने मैंने पढ़ते समय भी बोला ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगों के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, तरंग अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ये देखिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। के अध्ययन का रिवीजन किया है कुछ, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।